2022 आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, जो चाहेंगे वह प्राप्त करेंगे। करना एक नया कार्य है आपको कि आपको ध्यान लगाना है। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन उसको अपने दिमाग में उतारिए। जो चीज आपके दिमाग में होती है, धीरे धीरे आप उसी प्रकार से ढल जाते हैं। आप जानते हैं अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था। अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त किया था। इतना छोटा बालक ध्यान लगा के चक्रव्यूह में भी चला गया, परंतु जब उसकी माता सो जाती है तो वह चक्रव्यूह से बाहर निकलना भूल जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है इस जीवन में अनेकों खुशियां चाहता है, रुपया, पैसा, खुशियां, बीवी, बच्चे, परंतु इन्हीं में उलझ के रह जाता है। आए थे किस कार्य के लिए और क्या कार्य करने लग जाते हैं। परमात्मा से वादा किया था कि कुछ नया कार्य करेंगे, लेकिन आके इस संसार में एक जानवर की भांति रह जाते हैं। जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? सिर्फ दिमाग का। जानवर भी वही काम में करते हैं जो हम कर रहे हैं। खाना खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, भोग विलास, उनका भी घर होता है, अंत समय में प्रभु में लीन हो जाते हैं। जो दुनिया में चाहोगे वह सब कुछ आपको हासिल होगा। जिस प्रकार से अभिमन्यु को ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जो चाहेंगे वह बन जाएंगे, और जितना धन कमाना चाहें उतना धन कमा सकते हैं। आने वाले 2022 में अपने दिमाग में जो आप बनना चाहते हैं उसको उतारिए, उसको एक कागज पर उतारिए, उसके लिए निरंतर मेहनत कीजिए। कम से कम 3 साल, धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास आपका गहरा होता जाएगा, ध्यान गहरा होता जाएगा, आप पाएंगे कि आप जो बनना चाहते थे, जो वस्तु हासिल करना चाहते थे, वह आपको मिल जाएगी। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती, लेकिन एक कदम तो आपको बढ़ाना ही होगा ना। अगर आपने एक कदम बढ़ा लिया तो आखिरी कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिरी अपने आप ही बढ़ जाएगा, परंतु एक कदम आपको स्वयं उठाना पड़ेगा, वह ध्यान। ध्यान लगाइए 2022, 23, 24, 25 क्या जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और जो कुछ चाहेंगे सब कुछ प्राप्त होगा आपको इसी जीवन में, मरने के पश्चात नहीं। मरने के बाद तो सभी परमात्मा बन जाते हैं, इस जीवन में आप जो भी चाहें सब कुछ प्राप्त होगा। मन को अपने काबू में रखें, जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा 2022 में।